प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले शाम टेलीफोन पर एक दूसरे से बात और नए साल की बधाई दी। दोनों नेताओं ने 2018 में भारत अमेरिकी संबंधों की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। बातचीत के दौरान नई दिल्ली वाशिंगटन के बीच 2+2 वार्ता की शुरुआत और जापान के साथ त्रिस्तरीय वार्ता पर भी खुशी जाहिर की गई। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के बीच रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ऊर्जा और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर बनी सहमति पर एक दूसरे का ध्यान खींचा। 2018 की तरह 2019 में भी दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती लाने के लिए पीएम मोदी और ट्रंप ने प्रतिबद्धता जताई। हालांकि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी पर अफगानिस्तान मुद्दे पर तंज कसा था। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में भारत के कार्यों का जिक्र किया था। इस पर ट्रंप का कहना था कि अफगानिस्तान किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, इससे कई देशों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। ट्रंप ने अमेरिकी खर्चे को लेकर भी इशारे में भारत पर निशाना साधा था। पिछले साल सितंबर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे का हालचाल पूछा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ड्रग्स की तस्करी रोकने के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ट्रंप के मंच से उतरने पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हैली ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गले लगाया और राष्ट्रपति ट्रंप से उन्हें मिलवाया। सुषमा स्वराज ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से शुभकामनाएं लेकर आई हैं, तब ट्रंप ने कहा, मैं भारत से प्यार करता हूं, मेरे प्रिय मित्र मोदी को मेरा अभिवादन भेजिएगा।